आपके क्या स्कोर आ जाएगा? 100। मार्क्स कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो? 80 to 90%। कुछ आया आउट ऑफ द सिलेबस या इजी था? इजी था, बट आई थिंक आई काइंड ऑफ स्क्रूड अप ऑन द फिजिक्स पार्ट, बट ओवरऑल इट वाज रियली गुड। कैसा है जोश, कैसा है? वेरी गुड। हाय हिप हिप हुर्रे। ऑब्जेक्टिव ज्यादा इजी लगा पेपर जो टर्म वन में हुआ था या सब्जेक्टिव ज्यादा इजी लगा? सब्जेक्टिव इजी है। और अब तक के जितने भी पेपर में सबसे इजी कौन सा हुआ? साइंस। ऑल द बेस्ट टू यू everyone for your next exam. How was your exam? It went well. Wow, yours? Yeah. It went well. Yours? CBSE ko kuch information dena chahoge? Exam hone chahiye ki nahi hone chahiye? Obviously hone chahiye. Chahiye. Jo term 1 ka exam tha, it went horrible. So hopefully ki term 1 ka wo jo tha sara wo hata de and term 2 ke marks se consider kare. Aap bol rahe ho objective acha hai ya subjective acha hai? Yeah, I think सबके लिए term 2 ज़्यादा अच्छा चल रहा है term 1 से compare term 2 ज़्यादा अच्छा चल रहा है। exams भी easy है right? so that is what I am also thinking कि आपके जो exam है आपको क्या लगता है exam easy है tough आ रहे हैं? easy तो आ रहे हैं। easy आ रहे हैं right? marks कितने expect कर रहे हो? 80 to 90%। wow sample paper के coding paper कैसा था? sample paper से easy आया। आपके क्या score आ जाएगा? 100 100 is very good. Congratulations. How was the exam? It was easy. NCERT surpassed. Bio, chemistry, कौन सा section ज़्यादा easy लगता है solve करने में? Physics and chemistry. Physics तो मुझे इतना आसान नहीं लगता, but chemistry bio में diagrams. हाँ diagrams था हो गया easy रहा। numericals कितने थे? numericals तो दो तीन थे। आपको कितना time लगा? मुझे 5 मिनट लगा एक numerical. expectations क्या है, क्या marks आएंगे? 30 above. For sure, 30 above तो पता है, 35 to 40 में guarantee। 40 out of 40 का आपका क्या आएगा? 30 above। paper कैसा हुआ? आपका कैसा हुआ? बढ़िया गया। Score क्या आएगा? At least 30 plus। कुछ आया out of the syllabus या easy था? Easy था। paper easy था। अच्छा अब तक जितने भी paper हुए सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा हुआ है अभी तक? Math। I feel like science. Science was the easiest one out of every other, right? So what do you think? जोश है, अच्छा लग रहा है? Yes, I'm just very excited. Great. How was the exam? कैसा था? Pretty easy. अब तक जितने भी एग्जाम हुए सबसे ज्यादा इजी कौन सा लगा? साइंस का। इंग्लिश और लाइक लैंग्वेज तो इजी था। साइंस वाज द इजीएस्ट वन। अभी दो एग्जाम और रह गए। कैसा है जोश, कैसा है? वेरी गुड। हाय। कैसा होगा पेपर अभी आगे का? बहुत अच्छा। स्कोर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? कितना मार्क्स है? 38 मार्क्स आ जाएंगे। 38 आ जाए आपके? 35 प्लस। अमेजिंग। आपके 35। तो पेपर कैसा हुआ सबसे पहले ये बताओ। आई थिंक इट वेंट रियली वेल, बट आई थिंक आई काइंड ऑफ स्क्रूड अप ऑन द फिजिक्स पार्ट, बट ओवरऑल इट वाज रियली गुड। सो शी इज सेइंग शी जस्ट स्क्रूड अप लाइक न्यूमेरिकल। हां ओनली न्यूमेरिकल्स, बट द पेपर वाज रियली गुड। सीबीएसई को कुछ बोलना है एग्जाम कैसे होने चाहिए? नेक्स्ट 10th आ रहा है इसके लिए। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव होना चाहिए? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव इज इजीयर, व्हाट डू यू थिंक? डेफिनेटली सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव इज इजीयर राइट? MCQ क्यों लगता है? MCQ क्यों होना चाहिए ये भी जान लेते हैं। क्यों होना चाहिए MCQ? You can just if you don't know the answer you can guess it. Step marking. So even if your answer is wrong you get something. Right. जितने भी exams हुए सबसे ज़्यादा easy कौन सा लगा? English. English वाले। And you'll be happy to know I'm an English teacher. आपका paper कैसा हुआ? बहुत अच्छा गया। हाँ? आपका कैसा हुआ? बहुत अच्छा। क्या क्या लग रहा है कि क्यों अच्छा हुआ paper? आता था सब तो सब कुछ आ जाता, मतलब हम बोल सकते हैं आउट ऑफ दी सिलेबस कुछ भी नहीं आया, राइट? सब कुछ सिलेबस नहीं था। जहाँ से मैं करा बड़ा अच्छा आया। बड़ा अच्छा आया तो कहाँ से दिया? हाँ आपके उससे इंग्लिश में पढ़े थे। हाँ अरे वाह सर, कुछ बच्चे मिल गए। अच्छा हुआ आरसी वगैरह। अच्छा अभी तो साइंस की बात कर लेते हैं। मुझे बताओ केस बेस्ड क्वेश्चन आए थे, सॉल्व हो गए? इजी थे। कितना टाइम लगा सॉल्व करने में? 10-15 मिनट लग गए। तो आपका क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है? पहले कौन सा अटेम्प्ट करते हो या मतलब एज इट इज शुरू करते जाते हो पेपर कैसे सॉल्व करते हो? अगर पहले जो कॉन्फिडेंस होता है ये आता है तो पहले वही करते हैं। जिसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा वो पहले सॉल्व। कैसा हुआ पेपर सब लोग बताओ, आपका कैसा हुआ? बहुत अच्छा गया। आपका? बहुत अच्छा। क्या क्या स्कोर करोगे? कितना स्कोर? 35 प्लस। तो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सबसे ज्यादा इजी क्या लगता है? बायो एंड फिजिक्स। रफ कॉपी रफ का कैसे करते हो? एक ही कॉपी मिलती है तो बी कॉपी किसी ने ली? जरूरत ही नहीं पड़ी। सैंपल पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग कैसा लगा? सैंपल पेपर में न्यूमेरिकल्स था। आउट ऑफ द सिलेबस एनसीईआरटी से अलग कुछ आया? नहीं। अच्छा नेक्स्ट टाइम बोर्ड का जो एग्जाम होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि सब्जेक्टिव होना चाहिए? सब्जेक्टिव। आप लोगों को पता होगा
आप तो एक ही पेपर होगा शायद, थोड़ा इन्फॉर्मेशन सब रखते होगे, तो 10th का जो नया बैच आ रहा है उसको कुछ बोलोगे? All the best to next 10th class. Thank you so much. Bye everyone.